आज हम हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। फर्स्ट में दिया है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो इसका हो जाएगा ये बी नंबर, स्वामी विवेकानंद। इसका सही हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो इसका हो जाएगा, इसका भी बी नंबर सही हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीन नंबर में दिया है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसका हो जाएगा सी नंबर इसका सही हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। बाल गंगाधर, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, इसका किया था विरोध, लेकिन पश्चात शिक्षा का विरोध ये नहीं किए थे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जम के कीजिएगा। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो इसका चार का हो जाएगा डी, यानी कि चार 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 का हो जाएगा डी नंबर, इसका टोटल सही है। ज्ञान सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इसका तीनों डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए पांच नंबर देखते हैं। पांच नंबर दिया है, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका पांच नंबर का हो जाएगा, वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था। तो ये सही है, उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था, ये भी सही है। तो चलिए सी नंबर देखते हैं। सिनोदे वह मूर्ति पूजा का निर्देश करता था, तो ये गलत है, बाकी इसका सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है। और डी में दिया है, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था, तो ये सही है, सी नंबर इसका गलत है, इसे ही आपका आंसर हो जाएगा। छः में दिया है, 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, डी जी बिरला थे, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए सात नंबर देखते हैं। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था, तो इसका हो जाएगा सात का सी नंबर, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी, इसका सी आंदोलन, इसका सी नंबर सात का सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आठ नंबर देखते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा राजा राम मोहन राय, इसका ए नंबर सही हो जाएगा, आठ का ए नंबर। नौ नंबर दिया है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम
नियम का घोर विरोध किया था, तो इसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। 10 नंबर में दिया है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, तो इसका हो जाएगा 10 का सी नंबर, कुलीन लिखते हैं, शिक्षा, हिंदू, मध्यम वर्ग, ये नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग को पश्चिमी प्रभावित किया, तो इसका कुलीन इसका सी नंबर सही हो जाएगा, शिक्षा, शिक्षित, हिंदू, मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। चलिए आगे देखते हैं, ग्यारह में दिया है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, तो इसका हो जाएगा 11 का बी नंबर, राजा राम मोहन राय को माना जाता है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। 12 में दिया है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सी नंबर 1828 में सही हो जाएगा। 13 में दिया है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए, तो इसका हो जाएगा 13 के बी नंबर, नडार, नडार में हुआ था, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। 14 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो इसका हो जाएगा 14 का, 14 का राजा राम मोहन राय, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 15 में दिया है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, तो इसको तो ये तो इजी है, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय जो कि संस्थापक थे। 16 आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सोलह नवम दिया है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, तो 16 का हो जाएगा बी नंबर, मुकुंद राव पाटिल थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 18 में दिया है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 19 में दिया है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, तो इसका 19 का हो जाएगा विष्णु परशुराम पंडित ने किया था, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए 20 देखते हैं, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो इसका डी नंबर, बहराम जी एम मलबारी थे, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 21 में देखते हैं, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका हो जाएगा, आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी नहीं होगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठक्कर बापा ने किया था, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दी एज ऑफ का कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका हो जाएगा 1891 में पारित हुआ, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते रहिए। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, घनश्याम दास बिरला थे, इसका बी नंबर सही हो जाएगा।
24 में दिया है, आज समाज की स्थापना का वर्ष है, तो इसका हो जाएगा 1875, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 25 में दिया है, वेदों के उत्थान का श्रेय किसे है, तो इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को है, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। वेदों की ओर चलो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसी तरह का वीडियो और भी लाते रहेंगे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, तो इसका हो जाएगा 14 वर्ष निर्धारित किया गया था उस समय। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया, तो इसका हो जाएगा 28 का सी, केशव चंद्र सेन ने बनाया, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 29 में यह बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके विरोध पर आधारित हुआ था, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, केशव चंद्र सेन एवं बहराम जी मलावारी के विरोध में हुआ था 1891 में, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 30 में दिया है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध, तो इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 31 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे, तो इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय जुड़े थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जुड़े थे, ज्योतिबा फुले भी जुड़े थे, तो इसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं जुड़े थे, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया, तो इसका 32 का हो जाएगा डी नंबर, जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बन गए थे। 33 में दिया है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका हो जाएगा 33 का बी, बी.आर. अंबेडकर थे। 34 में दिया है, महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था, 34 का हो जाएगा ज्योति राव गोविंद राव, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, तो इसका हो जाएगा 1789 में, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा किस तरह का वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।